आपका नाम मैम? रेनू। मैम जैसे महंगाई बढ़ी रही है और अब ये नए साल के साथ गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए, तो रसोई पर क्या असर पड़ रहा है आपकी? इससे हमारा बजट बिगड़ रहा है, महंगाई बढ़ने से सारे बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ रहा है, लेडीज भी परेशान होती है फालतू खर्च बढ़ने से। मोहिनी। मैम जैसे गैस के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ी है, तो क्या असर पड़ रहा है आपकी रसोई पर? इससे सभी चीज़ पर असर पड़ता है, हमारे बजट पर, हर बजट पर। अब जैसे पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, उससे हमारे बजट पर असर तो पड़ता ही है। बाकी घर की हर चीज़ देख लो, आप सब्जी देख लो, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। पहले इन दिनों में सही होते थे सब्जियों के दाम भी। इनम उर्मिल है। मैम जैसे दाम बढ़ रहे हैं गैस सिलेंडर के, तो उस रसोई पे क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? रसोई का बजट सारा बिगड़ रहा है हम लोगों का, और रसोई के लिए अगर महीना भी सिलेंडर चलता है तो नेक्स्ट सिलेंडर लेने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। घर का सारा बजट रसोई के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो रसोई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। मेरा नाम कवल सहगल है। रसोई के गैस के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े, इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी दूसरी महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, जैसे भी अब फ़ोन के भी रेट बढ़े, कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, और भी हर चीज़ पे रेट लगभग बढ़ ही रहे हैं। वैसे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो आदमी अपने खर्चे में एडजस्ट कर लेता है, कोई दूसरा खर्चा कम कर देता है उसको पूरा कर लेता है, बस इतना ही है, और क्या फ़र्क पड़ना। मेरा नाम बीनू है, बीनू खन्ना। वैसे यही है कि हमारी अपनी वो जो है ना बचत कम हो जाती है, बजट नहीं मिल रहे हैंगे, अब हमें भी अपने आप को वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि भाई हम इतना जैसे कि सिलेंडर पे जा रहे हैं, आज जैसे 728 का आया है, पहले 600 कुछ का आया था, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा कितना बजट है, मतलब हमारी अपनी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है ना। दीपा सेतिया। देखो हर इंसान को प्रभाव पड़ता है, महंगाई तो महंगाई ही है, हर चीज़ की महंगाई है, एक गैस सिलेंडर की महंगाई नहीं है, सब चीज़ की महंगाई चल रही है। इस टाइम तो सबके बजट ढीले पड़े हैं, सब यही चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी सही हो देश की, और भाई जो भी है जिस हिसाब से भी अगर देश के लिए जो भी कुछ अच्छा है वो करें, गवर्नमेंट करे, और महंगाई की तरफ विशेष ध्यान दे, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसकी पॉकेट मनी से सब कुछ जाता है, वो अपना बचत खाता कम हो जाता है उनका, तो इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। सिलेंडर वगैरह भी कम होने चाहिए, और भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, जैसे भी हैं खाने खाद्य पदार्थ की, हर चीज़ के रेट लिमिट होने चाहिए। मैम जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, रसोई के क्या बजट पे फर्क पड़ रहा है? बजट पे फर्क सारा ही पड़ेगा, रसोई में तो सब पड़ेगा, सब्जियां महंगी हैं, गैस महंगी है, हर चीज महंगी है। प्याज देखो, प्याज तो इसलिए होनी नहीं चाहिए, ये तो रोजमर्रा की सब्जी है। चंपा फुटेला। रसोई का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, हर चीज़ में मतलब महंगाई है, तो जिनके वैसे ही तनख्वाह कम है, जो पेंशन है, जिनकी पेंशन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पेंशन तो नहीं बढ़ी, लेकिन और फिर सारा सामान, और फिर मेडिकल का कितना होता है, हम लोग बुढ़ापा शरीर है, तो मेडिकल में वो हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, दवाइयाँ लेनी हो तो लेनी ही लेनी है, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, तो सारी परेशानी हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है और ज़्यादा है, क्योंकि हमारी दवाइयों का खर्चा बड़ा बढ़ जाता है, खाने का कम हो जाता है लेकिन दवाइयों का बढ़ जाता है, और फिर जो भी है वो तो लेना ही पड़ेगा, कैसे भी करें गुजारा तो करना ही है। मेरा नाम मोनिका कटारिया। देखिए आज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं जानती हूँ रसोई के गैस के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन और चीज़ों के दाम घट भी तो रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो बैलेंस है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अपोज़ नहीं करूँगी कि हाँ गैस के दाम बढ़ा देंगे, कभी बढ़ाते हैं तो वो घट भी तो जाते हैं, सब्सिडी भी तो वापस आ रही है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि सब्सिडी वापस आ रही थी, अब तो सब्सिडी भी आ रही है, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है कि कभी 10 रुपये कम कभी 10 रुपये ज़्यादा, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ और चीज़ों के दाम ज़रूर कम होने चाहिए। साक्षी अरोड़ा। थोड़ा थोड़ा करते भैया बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बजट तो हिलता ही है एक बार को, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ खाने में हर चीज़ में दिक्कत है, इतनी परेशानी है, इतने रेट बढ़ा दिए हर चीज़ में, किस चीज़ में, हर चीज़ में रेट बढ़ा दिए, दिक्कत तो है ही सबको, नॉर्मल बंदा तो मरा ही।